हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर सदाओ था वो अपने फादर के सामने ही एक अच्छा साइंटिस्ट एंड एक अच्छा सर्जन बन गया था। तो अभी उसके आगे हम अभी देखते हैं कि जो उसका घर था वो एक बीच के बिल्कुल सामने था, और उस समय जो एटमॉस्फेयर था वो कैसा था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन, नाउ समुद्र से बादल जो है वो ऊपर उठकर आ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। तो वो बताता है कि लास्ट कुछ दिनों से अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, बहुत ज़्यादा जिसको कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, ऐसी गर्मी हो रही थी, और उस गर्मी की वजह से जो हैवी फॉग था वो कोल्ड वेव्स ने खींच लिया था। मीन्स जिसकी वजह से, क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी समझते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ऐसी जगहों पर बारिश जल्दी से आ जाती है, बारिश होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सदाओ वॉच्ड मिस्ट हाइट आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस रेडिंग अराउंड द पाइंस। तो सदाओ जो था वो ये देख रहा था कि जो फोग था वो बिल्कुल उस शोर के शीशोर तट के बिल्कुल पास वाला जो आइलैंड था उसकी आउटलाइन, जो उसकी सीमा रेखाएं थी, उनको बिल्कुल हाइट करके वो कोहरा ऊपर से ऐसे क्रीप करता हुआ, रेंगता हुआ वो उसके घर तक आ गया था। और जो नीचे पाइन के पेड़ थे, जो देवदार के पेड़ थे, उन देवदार के पेड़ों से वो कोहरा वो फोग रैप हो गया था। देन ही वुड गो इन टू द रूम। तो वो सोच रहा था कि वो अब, क्योंकि कुछ ही मिनटों में जो उसका घर था, इन अ फ्यू मिनट्स फोग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, अभी वो पाइन के पे जो पेड़ थे उन तक पहुंचा था, लेकिन कुछ देर बाद ही उसका पूरा घर जो है वो फोग में ढक जाएगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम, तब वो अंदर रूम में चला जाएगा। वेयर हना हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द टू चिल्ड्रन, उसके दो बच्चों के साथ उसकी वेट कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन उसी समय दरवाजा खुला जब वो ये सब सोच रहा था। एंड शी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा, अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो। तो वहाँ पर जो हना थी वो उसके पास आई, और उसने डार्क ब्लू कलर की एक वूलन हाउरी पहनी हुई थी। हाउरी मीन्स जैसे जो जापानीज होते हैं वो एक लंबा सा गाउन टाइप पहनते हैं, उसको हाउरी बोलते हैं। तो उसने अपने किमोनो के ऊपर एक डार्क ब्लू कलर का वूलन हाउरी पहना हुआ था। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिम एज ही स्टूड, और वो बहुत ही अफेक्शनेटली उसके पास आई, और जहाँ पर वो खड़ा हुआ था अपना हाथ उसके बाजू में डालकर खड़ी हो गई। स्माइल एंड सेड नथिंग, और सिर्फ मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। ही हैड मेट हना इन अमेरिका। तो वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, वो सोचने लगता है कि वो हना से अमेरिका में मिला था, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। लेकिन वो उससे जब वो उससे मिला तो वो उसके जापानीज कन्फर्म होने तक वो उसको पसंद नहीं करने लगा था। इट मीन्स उसे वो पसंद थी, बट जब उसे ये श्योर हो गया कि वो जापानीज थी, तभी वो उसे प्रेम करने लगा था। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर डेज। उसके फादर उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते अगर वो प्योर जापानीज ना होती।
He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. और कभी कभी अक्सर वो सोचा करता कि अगर उसे हना ना मिली होती तो वो उसकी शादी किससे होती. एंड by what luck he had found her in the most casual way. और by luck ये उसका भाग्य था, ये एक बहुत ही कैजुअल मीटिंग थी, ऑर्डनरी कैजुअल मीन्स ऑर्डनरी मीटिंग थी जब वो हना से मिला था. बाय चांस लिटरली कि वो क्लियरली अगर बोले बाय चांस वो उससे मिला था एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स. जो प्रोफेसर और उसकी वाइफ थी वो दोनों ही बहुत ही दयालु व्यक्ति थे और हमेशा अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी करने के लिए उत्सुक रहते थे, एंशियस रहते थे. एंड द स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट्स थे दो बोर्ड, हालांकि वो उनसे बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन उन्होंने उनकी दयालुता को एक्सेप्ट कर लिया था. सदाव हैड ऑफ्टन टोल्ड हना हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस दैट नाइट. द रूम्स वर सो स्मॉल, द फूड सो बैड, द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, but he had gone and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. तो अक्सर वो हना को बताता था कि उस रात को कैसे उसने जो प्रोफेसर होर्ले थे, प्रोफेसर होर्ले मीन्स जो वो प्रोफेसर जिनके घर पर वो हना से मिला था, तो उनके घर जाने का जो आइडिया था वो लगभग ड्रॉप ही करने वाला था, क्योंकि जो उनके रूम्स थे वो बहुत छोटे थे, खाना बहुत गंदा था, अच्छा खाना नहीं था, और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, टॉकेटिव थी, बहुत ज़्यादा बातूनी थी. बट फिर भी वो चला गया एंड वहाँ पर फिर वो हना से मिला जो कि एक न्यू स्टूडेंट थी. एंड हैड फेल्ट, और उसने ऐसा सोचा, ऐसा फील किया, बिकॉज ही लाइक्ड हर, वो उसे बहुत पसंद आई. ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, कि अगर ये पॉसिबल हुआ ही विल मैरी हिम, सॉरी विद हना. नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन. नाउ अब उसने अपनी वाइफ का हैंड अपने हाथ पर, अपने बाजू पर फील किया और वो उस प्लेजर से जो उसे मिला उससे वो अवेयर था, हालांकि उनकी शादी को इतना टाइम हो गया था और उनके दो बच्चे भी थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, और उन्होंने अमेरिका में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने शादी करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई. दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, एंड वेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानीज वे. तो जब उन्होंने अपना वहाँ पर अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली और फिर पढ़ाई को फिनिश करके जब वो जापान वापस आए, फिर सदाओ के फादर ने हना को देखा और फिर उनकी शादी एक पुराने जापानी तरीके से, मींस रीति रिवाज से, जापानी रीति रिवाज के साथ उनकी शादी को अरेंज किया गया. हालांकि सदाओ एंड हना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, शादी से पहले पहले से ही उन्होंने हर तरह से, हर एक चीज़ पर उन्होंने बात पहले ही कर ली थी. दे वर परफेक्टली हैप्पी, वो दोनों बहुत खुश थे. शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, तो हना ने जब वो ये सारी बातें सोच रहा था, अपना जो गाल था, अपना चीक उसने उसके बाजू पर रख दिया और वो उसके प्लेजर को फील कर रहा था. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सो समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, तो ये उसी पल की बात थी, ठीक उसी समय उन दोनों ने मिस्ट, कोहरे में से किसी काली चीज़ के बाहर आते हुए देखा.
it was a man, वो एक व्यक्ति था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशियन. फ्लंग ऐसा लग रहा था मानो उसको समुद्र में फेंका गया. फ्लंग मीन्स फेंकना. इट सीम लग रहा था टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर कि जो उसके पैर थे वो ऐसे मीन्स उसके जो पैर थे वो जैसे समुद्र के बीच में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं उन लहरों ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया हो. ही स्टेगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. वो कुछ कदम लड़खड़ाया. स्टेगर्ड मीन्स होता है लड़खड़ाना. हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट. हिज आर्म्स अबव हिज हेड. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन. अब जो उसकी बॉडी थी उसके बॉडी के जो आउटलाइन थी मीन्स एक पूरा ऐसे जो एक स्ट्रक्चर था एक ऐसा स्ट्रक्चर केवल कोहरे में दिख रहा था. वो पूरा नहीं दिख पा रहा था. उसके जो हाथ थे वो उसके सर से ऊपर थे और फिर जो कोहरा था वो कर्ल करता हुआ घूमता हुआ फिर से वहाँ तक आया और वो वापस कोहरे में दोबारा से कोहरे ने उसको ढक लिया. फिर वो दिखाई नहीं दिया. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच.